ओके दोस्तों, कैसे हो आप सब? और आई होप आप अच्छे ही होंगे। और चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मेले का। आज दिखाते हैं आपको मेले में कुछ नई नई चीजें और दुकानें वुकानें कुछ भी जो भी है आपको पूरा दिखाएंगे। डेकोरेशन कैसी, क्या है क्या नहीं। बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ, अभी मैं बना नहीं पाया था एक्चुअली, थोड़ा बिजी था इधर उधर, कुछ काम था, फिर तबीयत भी खराब थी, फिर इस वजह से मैं बना नहीं पाया आपके लिए। अब ब्लॉग बनाऊंगा कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। आ चुके हैं हम मेला, और देख पा रहे होगे आप, ये मेन गेट है। अब एंट्री करेंगे हम अंदर, आपको आगे के सीन अंदर दिखाते हैं क्या मेले में क्या नहीं, क्या क्या है जो भी है प्रॉपर आपको मेले में अंदर दिखाते हैं। ओके, मिलते हैं अंदर। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं, और मैं आपको पार्किंग में दिखा नहीं पाया, बाइक मैंने पार्किंग में करी थी, और अब आगे दिखाता हूँ आपको पूरा। ये सामने देख रहे होगा हिंडोला लगा हुआ है, बड़ा प्यारा सेटअप के साथ झूला लगा हुआ है, और देख पा रहे होंगे लाइटिंग से कितना प्यारा लग रहा है लगा हुआ है। और आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ और देख पा रहे होगे अब तो। वैसे काफ़ी अच्छा मेला अंदर, और भी दुकानें भी स्टॉल दिखाऊंगा, बहुत सारी हैं, सब कुछ दिखाऊंगा धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी ऐसे नहीं पूरी दिखा दूंगा मैं। आप चलो देखो अंदर पूरा नज़ारा, अच्छा प्यारा प्यारा व्यू मिलेगा एकदम। और ड्रैगन देख सकते हैं, अभी झूला रुका हुआ है, ड्रैगन झूला है, और आगे एक दो झूले और दिखा दूँगा आगे। चलो आप चलते रहो, देखना आप, बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। और देख रहे हो कि काफ़ी क्राउड आया हुआ है, काफ़ी पब्लिक है, अच्छा है मेला पूरा, एकदम भीड़ है, जो कि काफ़ी भीड़ है मेले में, आप देख रहे होगे। और वैसे आप देख रही हो ब्लॉग मेरा, और देख सकते हैं झूले कितने एक से एक बढ़िया से बढ़िया झूले हैं। और चलो आपको आगे दिखाता हूँ और झूले, कुछ कुछ झूले नए भी हैं, नए भी दिखाऊंगा आपको। और वैसे तो देख ही रहे हो कितना प्यारा लग रहा है एकदम झूला, और आगे बहुत मस्त मस्त एकदम एक एक से एक बढ़ के झूले मिलेंगे आपको, और काफ़ी मज़ा आने वाला है झूलों में। आप झूलना, काफ़ी इन्जॉयमेंट होएगा आपका झूलों में, और झूल के आपको अच्छा भी लगेगा झूलों में, आप भी झूलोगे। रेट भी अच्छे हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही थोड़ा बहुत तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि नवमी और दशहरे वाले दिन महंगे हो जाता थोड़ा रेट झूलों का। और बाकी देख सकते हो स्टॉल भी लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल हैं, स्टॉल से आप कुछ भी खरीद सकते हो, खाने के लिए भी स्टॉल लगी हुई हैं, सारी स्टॉल हैं। और बाकी मार्केट में आपको अंदर दिखाऊंगा ही स्टॉल, कैसी कैसी स्टॉल हैं, कौन कौन सी स्टॉल लगी हुई हैं। आप पहले स्टार्टिंग हमारे यहाँ से झूलों से ही होती है, हम मेले में आते हैं तो झूलों से ही स्टार्टिंग होती है। और दिखाते हैं आपको आगे, दोस्तों देख सकते हो छोटा ड्रैगन, बाकी देख रहे हैं आप रेंजर, और एक ये नया झूला है, ये भी देख सकते हैं बहुत अच्छा झूला है, कुछ नया झूला आप देख पा रहे होंगे, इसका 150 है चार्जेस। बाकी काफी तो आपने देखी है, और ये देख सकते हैं बड़ा प्यारा फुहारा लगा रहा है। और हम आ चुके हैं मार्केट की तरफ, देख सकते हैं इससे अच्छी से अच्छी स्टॉल लगी हुई है, जो भी सामान खरीदना आपको खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी स्टॉल है, इससे बढ़ के अच्छी से अच्छी सूज वूज सब चीज़ मिलेंगे यहाँ पर, सूज भी मिलेंगे, और बाकी घर की सजावट के लिए भी मिलेंगे सामान। और देख सकते हैं गर्ल्स स्लीपर सब चीज़ें हैं अच्छे अच्छे, और देख पा रहे हैं आप काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ स्टॉल,
किंडर टॉय भी मिल सकते हैं आपको, देख सकते हो किंडर टॉय और किचन का सामान, बाकी तो आपको पता ही है। स्टॉल बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल लगे हुए हैं, देख रही होंगी। और बाकी आपको दिखाते हैं और अच्छी अच्छी जो भी है कवर करके आपको वीडियो में, जो आपको अच्छा लगे उसमें बताना। आप गए थे मेले तो क्या क्या खरीदा था बताना कमेंट्स करके। और बड़ा प्यार प्यार व्यू आ रहा था मेले में अंदर, अभी अंदर जाएंगे तो और देखेंगे कुछ भी और कुछ नया हो। और आपने देखा है कपड़े के कुर्ते हैं जो खरीद सकते हैं आप, और आगे चलते हैं दिखाते हैं। और फोटो फ्रेम आप देख रहे हो, फोटो फ्रेम भी और मिनी बैग ले सकते हैं आप, ये देख सकते हैं फोटो फ्रेम, और जो भी आप ले सकते हैं फोटो फ्रेम से। और कुर्ते हैं अच्छे अच्छे प्यार प्यारे लेडीज कुर्ते। और आगे चल के और दिखाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग है, देख सकते हैं आप बड़े प्यार प्यार में ये खरीद सकते हैं घर का सजावट के लिए, बहुत प्यार प्यार है एकदम। देख सकते हैं आप कप कप भी हैं, प्लेट भी हैं, आप ले सकते हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं बड़ा स्टॉल, अच्छे अच्छे प्यार प्यार स्टॉल लगे हुए हैं। इधर भी देख सकते हैं बड़े प्यार प्यारे स्टॉल ले एकदम मस्त मस्त। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ है, कैप ले सकते हैं आप। और मेले में से ये भी आप देख सकते हैं अच्छा अच्छा एकदम प्यारे प्यारे टेडी बियर भी हैं, आप देख रहे हैं टेडी बियर बड़े प्यारे टेडी बियर लगे हुए हैं। और बाकी आपको प्यारा देखने को मिल नहीं रहा है, अच्छी आती है। बाकी आपको मेले में पूरा पूरा दिखाएंगे, और बाकी लास्ट वाले दिन कुछ अलग ही दिखने वाला मेले का, उस ब्लॉग को जरूर देखना क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग डाला नहीं था, काफ़ी टाइम बाद डाल रहा हूँ तो ब्लॉग थोड़ा हो रहा है, दुख तो हो रहा है क्योंकि आपको मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि आपको दिखा पाता तो कुछ ऐसे होंगे जो नहीं आ पाए हैं मेला, तो अगली बार कुछ नहीं अगली जैसे भी मैं दिखाया था आपको पूरा। और आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड जो का घर के सोफे वोफे आपको लेना हो सजावट के लिए ले सकते हैं, सजावट के लिए भी हैं सोफे भी हैं, सब चीज़ें अच्छी अच्छी हैं। और बॉम्बे किचन गैलरी, और देखो आगे आप अच्छे अच्छे स्टॉल लगी हुई हैं, देख सकते हो घर के सजावट के लिए बड़े प्यारे प्यारे हुए हैं। और आप भी मेला देखो, हम भी देखते हैं। और देखो कितने मदन कुल्फी रेस्टोरेंट, एक से एक अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट लगे हुए हैं स्टोर, देखते हो गए आप। देख रहे हो गए दोस्तों राउंड खड़ा हो चुका है कल के लिए, यहाँ पर चंद्रयान ये देख पा रहे होंगे आप रावण। देख रहे होंगे आप काफी भीड़। और दोस्तों देख सकते हो सीता रसोई, सीता रसोई, और देख पा रहे होंगे काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है।
एक ये प्यारा सा रेस्टोरेंट आगे भी आशा करते हैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ मेला के प्यारे कुछ कुछ प्यारे प्यारे लीला में सफाई व्यवस्था एकदम के सहयोग से हमने बनाई हुई है। हर 10 कदम पर बड़े बड़े डस्टबिन रखे हैं उनका प्रयोग करें। अपने छोटे बच्चों का हाथ पकड़ कर रखे उनकी जेब में पुलिस डाल कर रखे जिससे उस बच्चे का नाम आपका एड्रेस फोन नंबर लिखा हो जिससे आपकी मदद की जा सके। दूसरा हमारे आज के इस मेले का आकर्षण आपको बता दूं रावण के पुतले रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले लग चुके हैं स्टेज के बिल्कुल पास। आप उन पुतलों का लाइटिंग का आनंद लें और रावण में एक खासियत है जो हमने पहले अभी शारदा में की थी रावण का जो सिर है वो 180 डिग्री पर मुंह कर रहा है। आप देखेंगे तो 180 डिग्री देख पा रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है इसके बढ़िया रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो बाकी मेले का देख रहे हो अभी झूले भी दिखाते हैं आपको सामने देख ही रहे होंगे झूले।